वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग को 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट एक्सपेंशन कैसे करना है, और आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखना। और ये भैया आप लोग को करके दिखाएंगे कि कैसे चेक होता है और किस तरह से आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, दिखा दीजिए अच्छा से, उसके बाद हम 5 सेंटीमीटर फुला के दिखाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 87 सेंटीमीटर है, और अब आप फुलाइए। और अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे है 94 सेंटीमीटर। 87 से 94 सेंटीमीटर, मतलब कि 7 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हो गया। तो चलिए एक बार और फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे है 86 सेंटीमीटर है। तो अब आप फुला सकते हैं। देखिए ऐसे ही फुलाना है पूरा। तो इस तरह से आप लोग को फुलाना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 92 सेंटीमीटर हुआ। 86 से 92, मतलब कि 6 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस तरह से आपको फुलाना है। और भी मैं कुछ लोगों का जो है चेस्ट एक्सपेंशन करा के दिखा देता हूँ कि किस तरह से फुलाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है अभी। 88 सेंटीमीटर है, चलिए फुलाइए। चलिए तो देख सकते हैं कि 95 सेंटीमीटर है। पहले कितना था? 88 से 95, मतलब 7 सेंटीमीटर का फुला लिया। मतलब कि ये पास है, और 5 सेंटीमीटर का ही एक्सपेंशन चाहिए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से 5 सेंटीमीटर का आप लोगों को चेस्ट फुलाना है। थैंक यू।